क्रिकेट की जबरदस्त खबरों के लिए सब्सक्राइब करें एसके न्यूज एक्सप्रेस को और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि क्रिकेट की हर खबर मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं एसके न्यूज एक्सप्रेस। कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज। अन्य खेलों की तरह क्रिकेट में भी कप्तान मैदान पर सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी होता है। टीम चुनने से लेकर महत्वपूर्ण मौकों पर सटीक निर्णय लेने तक कप्तान के हाथ में काफी कुछ होता है। कप्तान को आगे बढ़कर अपनी टीम को लीड करना होता है और अन्य खिलाड़ियों के लिए उदाहरण भी प्रस्तुत करने होते हैं। हाल ही में समाप्त हुए क्रिकेट विश्व कप के दौरान केन विलियमसन ने बल्ले और अपने निर्णयों से शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को काफी सफलता दिलाई थी। वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक 306 कप्तानों ने अपने देश का प्रतिनिधित्व एक से ज्यादा मौकों पर किया है, लेकिन बेहद कम लोग ही अपनी छाप छोड़ सके हैं। एक नज़र डालते हैं वनडे में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 टॉप बल्लेबाजों पर। नंबर 10, एलन बॉर्डर। एलन बॉर्डर ने 178 वनडे मैचों में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की थी। कंगारू कप्तान के रूप में बॉर्डर ने 168 पारियों में 32.17 की औसत के साथ 4439 रन बनाए थे। उस दौरान बॉर्डर ने 2 शतक और 27 अर्धशतक लगाए थे। कप्तान के तौर पर उनका सर्वश्रेष्ठ 127 का था, जो उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सिडनी में बनाया था और अपनी टीम को जीत भी दिलाई थी। उन्होंने 1987 में ऑस्ट्रेलिया को पहला विश्व कप भी जिताया था। नंबर 9, एबी डिविलियर्स। अपने छोटे कप्तानी कार्यकाल में भी डिविलियर्स सबसे प्रभावी अफ्रीकी कप्तानों में से एक थे। 103 वनडे मैचों में अफ्रीका की कप्तानी करने वाले डिविलियर्स ने 64 की शानदार औसत के साथ 4796 रन बनाए थे। इस दौरान डिविलियर्स के बल्ले से 13 शतक और 27 अर्धशतक भी निकले थे। 2015 विश्व कप में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 66 गेंदों में नाबाद 162 रनों की पारी कप्तान के तौर पर उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी थी। नंबर 8 पर है विराट कोहली। कप्तान के तौर पर विराट कोहली अब तक बल्ले और अपने निर्णय दोनों में शानदार रहे हैं। अब तक 80 मैचों में भारत की कप्तानी कर चुके हैं कोहली। 4800 रन बना चुके हैं। 47.39 की औसत से रन बनाने वाले कोहली वनडे में सबसे ज्यादा औसत के साथ रन बनाने वाले कप्तान भी हैं। कप्तान के तौर पर कोहली अब तक 21 शतक और 19 अर्धशतक जड़ चुके हैं। नंबर 7, सौरव गांगुली। मैच फिक्सिंग प्रकरण के बाद मुश्किल दौर में सौरव गांगुली को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था। 147 वनडे में भारत की कप्तानी वाले गांगुली ने 5104 रन बनाए थे। भारतीय कप्तान के तौर पर उन्होंने 11 शतक और 30 अर्धशतक लगाए थे। 2000 में जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने कप्तान के तौर पर अपनी सर्वश्रेष्ठ 144 रनों की पारी खेली थी। 2002 में गांगुली की कप्तानी में भारत ने पहली बार चैंपियन ट्रॉफी जीती थी। नंबर 6, मोहम्मद अजहरुद्दीन। 174 मैचों में भारत की कप्तानी करने वाले अजहरुद्दीन सबसे सफल भारतीय कप्तान हैं। 1990 में कप्तानी शुरू करने वाले अजहरुद्दीन ने 1999 तक भारत को लीड किया था। 38.60 की औसत के साथ अजहरुद्दीन ने 162 पारियों में 5169 रन बनाए थे। इस दौरान अजहर के बल्ले से 4 शतक और 36 अर्धशतक निकले थे। 1996 वर्ल्ड कप में उन्होंने भारत को सेमीफाइनल तक भी पहुंचाया था। नंबर 5, ग्रीम स्मिथ। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ ने अपने देश को 149 मैचों में लीड किया था। 37 की औसत के साथ स्मिथ ने 147 पारी में 5414 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 8 शतक और 47 अर्धशतक लगाए थे। स्मिथ ने 8 सालों तक अफ्रीका की कप्तानी की थी और वह सबसे लंबे समय तक अफ्रीका के कप्तान रहने वाले खिलाड़ी हैं और उनकी कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका पहली बार नंबर 1 टीम बनी थी। नंबर 4, अर्जुन रणतुंगा। अर्जुन रणतुंगा श्रीलंका के सबसे आक्रामक खिलाड़ियों में से एक थे। 1988 में श्रीलंका के कप्तान बनने वाले रणतुंगा ने 11 साल तक कप्तानी की थी। रणतुंगा ने 193 मैचों में श्रीलंका की कप्तानी की थी और 37.64 की औसत के साथ 5608 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 4 शतक और 37 अर्धशतक भी लगाए थे।
रणतुंगा की कप्तानी में ही श्रीलंका ने 1996 में अपना इकलौता विश्व कप जीता था। नंबर 3, स्टीफन फ्लेमिंग। स्टीफन फ्लेमिंग वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाले खिलाड़ी हैं और उन्होंने 218 वनडे में न्यूजीलैंड की कप्तानी की थी। 32.79 की औसत के साथ फ्लेमिंग ने 208 पारियों में 6295 रन बनाए थे। 1947 से लेकर 2007 तक फ्लेमिंग ने न्यूजीलैंड की कप्तानी की थी। उन्होंने 7 शतक और 38 अर्धशतक भी लगाए थे। उन्होंने 2003 और 2007 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल तक भी पहुंचाया था। नंबर 2, एमएस धोनी। 2007 से 2008 तक धोनी ने 200 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की थी और वनडे में भारत के सबसे सफल कप्तान भी थे। धोनी ने 53.56 की बेहतरीन औसत के साथ 6441 रन बनाए थे और कोहली तथा डिविलियर्स के बाद तीसरे सबसे बेहतरीन औसत के साथ रन बनाने वाले कप्तान थे। कप्तान के रूप में भारत को 2011 विश्व कप और 2013 चैंपियन ट्रॉफी जिताने वाले धोनी ने 6 शतक और 46 अर्धशतक भी लगाए थे। नंबर 1, रिकी पोंटिंग। रिकी पोंटिंग ने सबसे ज्यादा वनडे मैचों में कप्तानी की है और वनडे के सबसे सफल कप्तान भी हैं। 230 वनडे में ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई करने वाले पोंटिंग ने 42 की औसत के साथ 220 पारियों में 8497 रन बनाए। कप्तान के रूप में पोंटिंग ने 22 शतक और 51 अर्धशतक लगाए। पोंटिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 2003 और 2007 विश्व कप के अलावा 2009 चैंपियन ट्रॉफी भी जीती थी। तो दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल एसके न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तब तक अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।